मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञान वाले बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे कांकेर जिले की चरामा इलाके में एक घर में तेंदुआ घुस गया। आज सुबह 8 बजे बागडोंगरी गांव के एक घर के कमरे में तेंदुआ घुस गया, जिसके बाद डरे सहमे गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वन अमला और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया और ऑपरेशन में जुट गई। कांकेर जिले में लगातार जंगल कम होने से जंगली जानवरों को रिहायशी इलाकों में आना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों के आने से इंसानों और वन्य प्राणियों में टकराव की स्थिति बन रही है। फिलहाल वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें कांकेर जिले की आपको दिखा रहे हैं। तेंदुए के गुस्से से लोग सहम गए हैं, डर गए हैं। पुलिस और वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। जिले में अक्सर घरों तक जंगली जानवर पहुंच जाते हैं, जंगल कम होने से अब घरों की तरफ जाने लगे हैं जंगली जानवर। चारामा इलाके के घर में तेंदुआ घुस गया है। सुबह बांगडोंगरी गांव के घर में तेंदुआ घुसा था और अब वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर रही है। अधिक जानकारी के लिए अखिल सलाम हमारे साथ जुड़ गए। अखिल, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र के ग्राम बागडोंगरी गांव है, जहां पर आज सुबह 8 बजे तकरीबन एक तेंदुआ एक घर में घुस गया है। वहीं घर में 3 लोग मौजूद थे, लेकिन पीछे के रास्ते से तेंदुआ घुसा था, जिसे घर वालों के द्वारा देखा गया, जिसके बाद एक कमरे में बंद कर दी गई है। जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। तब मौके पर वन विभाग की टीम व पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। वहीं तेंदुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही यहां पर जाली लगाई गई है और पिंजरे की भी व्यवस्था की गई है। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। और अब